नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए हाउल पोएम जो कि एलन गिंसबर्ग ने लिखी थी 1954-55 में और ये 1956 में उनके कलेक्शन हाउल एंड अदर पोएम्स में पब्लिश्ड हुई थी उसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। हाउल पोएम कार्ल सोलोमन को डेडिकेट है। हाउल को अमेरिकन लिटरेचर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है और इसे बीट जनरेशन नाम के राइटर्स के ग्रुप के साथ एसोसिएट किया जाता है। इस पोएम में 3 पार्ट्स हैं और लास्ट में एक एडिशनल फुटनोट है। पार्ट फर्स्ट का नाम गिंसबर्ग ने बोला है, ए लैमेंट फॉर द लैम इन अमेरिका विद इंस्टांस ऑफ रिमार्केबल लैम लाइक यूथ्स। लैम का मतलब यहाँ पे आप मेमना मान लीजिए। तो वो कहता है कि अमेरिका में मेमने के लिए रोना और खास करके मेमने जैसे जवान बच्चों के रिमार्केबल जवान बच्चों के उदाहरणों के लिए रोना। ये जो पार्ट फर्स्ट है इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन और कम्युनिकेट सीन वाला वर्ड है। इसके अंदर जो करैक्टर्स और सिचुएशंस हैं वो गिंसबर्ग ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डाले हैं और ख़ास करके जो क्योंकि एक पोइट थे, पोइट कम्युनिटी, आर्टिस्ट और पॉलिटिकल जो एक्टिव लोग हैं, जाज म्यूजिशियन, ड्रग एडिक्ट्स और साइकेट्रिक पेशेंट्स जिन्हें वो 1940s के एंड में और 1950s की शुरुआत में मिला था, उन सब के जो पर्सनल इसके रिलेशंस थे, पर्सनल एक्सपीरियंस थे, उन सबको उसने इस पोएम में डाल दिया। गिंसबर्ग ने इस पोएम को इन लोगों को ये बोला कि लोग इन लोगों को अंडर रिप्रेजेंट आउटकास्ट मानते हैं, भी इनके बारे में ज़्यादा कोई बातचीत नहीं की जाती है, जबकि पोइट मानता है कि आजकल के जो मटेरियलिस्टिक और ऑप्रेसिवली कन्फर्मिस्ट एरिया है उसके अंदर ये हमारी जनरेशन के बेस्ट माइंड है। वो इनके एक्सपीरियंस को बड़े डिटेल में बताता है, खास करके जो इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है वो ड्रग यूज़ की बात करता है, वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ की बात करता है। इस सेक्शन की अधिकतर लाइनें हु बेस पर बेस्ड हैं। अब बात होती है पार्ट सेकंड की। गिंसबर्ग कहते हैं कि पार्ट सेकंड का नाम है नेम्स द मॉन्स्टर ऑफ मेंटल कॉन्शियसनेस दैट प्रे ऑन द लैम। पार्ट सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की स्टेट के बारे में है और इसके अंदर एक वर्ड आता है मोलोक। जब वो एक गिंसबर्ग को इस पार्ट सेकंड को लिखने की प्रेरणा तब मिली जब वो एक बार एक होटल में गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा वहाँ पे मोलोक के साथ उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। मोलोक एक बिब्लिकल देवता हैं जिनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि उनको छोटे छोटे इन्फेंट बच्चों की बलि दी जाती है। इस बात का जिक्र पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने भी किया था। गिंसबर्ग कहते हैं कि पार्ट फर्स्ट में जो करैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन सबको इस देवी इस मोलोक की मूर्ति की सेक्रीफाइस के साथ समझना चाहिए। इसके अलावा मोलोक जो है वो फ्रिट्ज लैगन की एक बहुत ही फेमस फिल्म जिसका नाम है मेट्रोपोलिस, उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल डेमोनिक फिगर था। इस फिल्म का क्रेडिट भी उन्होंने हाउल पार्ट सेकंड के अंदर दिया है। इस सेक्शन की अधिकतर लाइनों में बेस वर्ड है मोलोक। अब है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पार्ट फोर्थ के रिलेशन में है और इसका नाम है ए लिटनी ऑफ अफर्मेशन ऑफ द लैम इन इट्स ग्लोरी। ये कार्ल सोलोमन को डायरेक्टली एड्रेस्ड है। कार्ल सोलोमन एक पर्सन थे जिन्हें एलन गिंसबर्ग 1949 में जब वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तब वो उनसे मिले थे। इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल का नाम पोएम के अंदर है रोकलैंड। एक्चुअली इसका नाम था कोलंबिया प्री सेबेस्ट्रेरियन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इस सेक्शन का जो रिफ्रेन है वो है, रिफ्रेन मतलब तुक है, आई एम विद यू इन रोकलैंड। और पार्ट सेकंड के अंदर जो मोलोक सेक्शन की ग्रीम दुखी टोन थी वहाँ से ये पूरी टर्न अवे हो जाती है। अब है फुटनोट। इस पोएम का क्लोजिंग सेक्शन है फुटनोट जिसके अंदर रिपीटेटिव है होली मंत्रा। गिंसबर्ग कहते हैं
कि मुझे ये जो पुरानी रिदम होली 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 जो थी वो कैरनी स्ट्रीट पर एक बस में रोते हुए मुझे याद आई और मैंने वहीं इसे नोटबुक में लिख दिया। मैंने इसे फुटनोट टू हाउल के रूप में सेट कर दिया क्योंकि ये पार्ट सेकंड के एक्स्ट्रा वेरिएशन के रूप में था। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।